दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढावा का यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। यूरो कप फुटबॉल 2020 में सोमवार को यानी 14 जून को दूसरा मैच स्लोवाकिया और पोलैंड के बीच खेला गया। इस मैच में स्लोवाकिया ने पोलैंड को 2-1 से हराया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में खेले गए ग्रुप ई के इस मुकाबले का दूसरा हाफ पोलैंड के लिए खराब रहा। खेल के 62वें मिनट में पोलैंड के टीम के क्रिकोवाक को रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके कारण उसे 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ा, जिसका फायदा स्लोवाकिया ने उठाया और मैच में जीत हासिल की। गोल का खाता खेल के 18वें मिनट में स्लोवाकिया के मार्क ने खोला। मार्क का यह 15वां इंटरनेशनल गोल था। पहले हाफ में स्लोवाकिया इस गोल की बदौलत 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ का खेल शुरू होते ही पोलैंड के लिनेटी ने गोल कर मैच को बराबरी पे ला दिया। लिनेटी ने 45वें मिनट और 32 सेकेंड में यह गोल दागा। यह हाफ टाइम के बाद किया गया दूसरा सबसे तेज गोल है। मैच के बराबरी पे आ जाने के बाद दोनों टीमों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। खेल के 62वें मिनट में पोलैंड को बड़ा झटका लगा। उसके खिलाड़ी क्रिकोवाक को दूसरा येलो कार्ड रेफरी ने दिखाया। 2 येलो कार्ड हो जाने के कारण क्रिकोवाक को मैदान से बाहर जाना पड़ा। इसका फायदा स्लोवाकिया के खिलाड़ियों ने उठाया और 69वें मिनट में स्क्रिन्यार ने गोल कर स्लोवाकिया को 2-1 की बढ़त दिला दी। यह बढ़त अंतिम तक कायम रहा और स्लोवाकिया ने मैच को 2-1 से जीता। इस हार के बाद पोलैंड के कप्तान और स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की काफ़ी निराश दिखे। लेवांडोव्स्की को पिछले साल बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड से नवाजा गया था। अब बात करते हैं दोनों टीमों के आंकड़ों की। स्लोवाकिया और पोलैंड के बीच यह 9वां मैच था। इसमें से पोलैंड ने 3 और स्लोवाकिया ने 5 मैचों में जीत हासिल की है। एक मैच ड्रॉ रहा है। यह स्लोवाकिया की पोलैंड पर लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले टीम ने नवंबर 2013 में पोलैंड को 2-1 से हराया था। दोनों टीमों के बीच पिछले 6 मैचों में स्लोवाकिया ने 4 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं पोलैंड को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। एक मैच ड्रॉ रहा है। पोलैंड का यह लगातार 4था यूरो कप टूर्नामेंट है। 4 यूरो कप में टीम ने सिर्फ 2016 में नॉकआउट स्टेज में पहुंचा था। 2016 में उसे पुर्तगाल ने क्वार्टर फाइनल में हराया था। पोलैंड की टीम बड़े टूर्नामेंट में पिछले 10 ओपनिंग मैचों में से सिर्फ 1 में जीत हासिल कर पाई है। इसमें से 5 में टीम को हार मिली है, 4 मैच ड्रॉ रहा है। टीम को इकलौती जीत वर्ष 2016 में यूरो कप में नॉर्दर्न आयरलैंड के खिलाफ मिली थी। पोलैंड टीम अपने 11 यूरो कप मैच में कभी भी 1 गोल से ज़्यादा नहीं कर पाई है। पोलैंड की टीम यूरो कप में पिछले 9 मैचों में 2 मैच हारी है। इस दौरान टीम ने 2 मैच जीते हैं और 5 मैच ड्रॉ रहा। इस मैच से पहले उसकी इकलौती हार चेक रिपब्लिक के खिलाफ 2016 में ग्रुप स्टेज के दौरान थी। अब बात स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया का यह तीसरा बड़ा टूर्नामेंट है। टीम इससे पहले वर्ष 2010 में वर्ल्ड कप और वर्ष 2016 में यूरो कप खेल चुकी है। दोनों टूर्नामेंटों में टीम को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा है। स्लोवाकिया ने पिछले 5 यूरो कप मैचों में से 2 में जीत हासिल की है। इस मैच के अलावा टीम को 2016 में रूस के खिलाफ जीत मिली थी।
इसमें से पोलैंड ने 3 और स्लोवाकिया ने 5 मैचों में जीत हासिल की है। एक मैच